हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्रद्धास फैशन हब। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ साड़ी रीयूज प्रोजेक्ट। मेरे पास बहुत सारी कई ऐसी साड़ियाँ थी जिन्हें मैं पहनती नहीं थी, तो उन्हें मैंने रीयूज करके क्या क्रिएट किया है, आज मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं दिखा रही हूँ, मेरे पास ये बांदनी प्रिंट की एक साड़ी थी। इसका मैंने स्टिचिंग वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर किया हुआ है कि मैंने कैसे ये अनारकली फ्रॉक सूट तैयार किया है, तो मैं आप लोगों के साथ एक बार और दिखा देती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरे पास इस तरह से एक बांदनी प्रिंट की साड़ी थी जिसमें ये कंट्रास्ट कलर का बॉर्डर था और पल्लू भी इसका सेम यही कंट्रास्ट कलर में था। तो देखिए कितनी ब्यूटीफुल कुर्ती बन के तैयार हुई है और ये पहन के बहुत ही खूबसूरत लगती है। और इसे मैंने पीस वाली एक कुर्ती तैयार की है और इसकी डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबकी लिंक डालूंगी। मैं कलर वाइज डाल दूंगी, जैसे बांदनी प्रिंट का कुर्ता है, अगर आपको स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं डाल दूंगी नंबर 1 पे बांदनी प्रिंट सूट या बांदनी प्रिंट कुर्ती, तो आप वो क्लिक करके देख सकते हैं। इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए जो मेरे पास पल्लू वाला एरिया था, दोस्तों देखिए मैंने उसके साथ ही डिजाइनर एक कोटी तैयार की है कुछ इस तरह से, ये देखिए। तो इसमें मैंने ये इस तरह से ये डोरियां दी थी बांधने के लिए और इसका जो नेक है वो इस तरह से मैंने वी शेप में रखा था और इसको थोड़ा डिफरेंट लुक देने के लिए मैंने इस तरह से पीछे ये लॉन्ग स्लिट भी दी हुई है। तो इसका डिटेल वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करें और देखना बिल्कुल ना भूलें। फ्रेंड्स, दूसरी कुर्ती भी बांदनी प्रिंट की है और ये मेरी एक सिल्क की बांदनी प्रिंट की कुर्ती साड़ी थी जिसमें मेन पार्ट ये पिंक था और ग्रीन इसमें बॉर्डर प्लस पल्लू एरिया था। तो देखिए मैं दिखाती हूँ आपको मैंने इसके साथ क्या किया है। ये देखिए दोस्तों, इसे मैंने क्योंकि ये सिल्क में था तो इस तरह से मैंने इस पर ये लाइनिंग भी अटैच की हुई है और इसको थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए जो पल्लू वाला एरिया था फ्रेंड्स, उसको मैंने ऊपर चोली वाले पार्ट में इस तरह से डिजाइनर लुक देने के लिए यूज किया है और साथ में मैंने यहाँ पे बैंड कॉलर भी बनाया है। और आप फिनिशिंग देखिए, इन सब की डिटेल वीडियो आपको जरूर देखने को मिलेंगी मेरे चैनल पर, अगर आप देखना चाहें तो जरूर देखें। और इसकी जो स्लीव्स भी मैंने रखी है वो कंट्रास्ट कलर में यानी ग्रीन रखी है। अब आप सोचेंगे कि साड़ी तो 5 मीटर की होती है और इसमें मैंने ये सिर्फ ये देखिए इस तरह से ये बैक भी है इसका, जिसमें मैंने बैक में भी इस तरह से अपर पार्ट ग्रीन रखा है और नीचे का हिस्सा पिंक रखा है। तो मैं ये शेयर कर रही थी कि इस वाली जो साड़ी है क्योंकि ये सिल्क की थी और मैं ऑल ओवर सूट नहीं चाहती थी तो मैंने इसमें से 2 कुर्तियाँ निकाली। एक कुर्ती मैंने अपनी सिस्टर के लिए बनाई और एक कुर्ती मैंने अपने पास रखी, तो पूरी साड़ी भी रीयूज हो गई और इसका सूट का लुक भी आप देखिए कितना प्यारा आया है। इसके साथ मैंने ग्रीन लेगिंग यूज़ करती हूँ और साथ में यूज़ करती हूँ ये बनारसी दुपट्टा। ये बनारसी दुपट्टा मेरे पास पहले सा था और आप देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है। तो इस सूट का लुक इसमें थोड़ा सा इसके साथ सिमिलर हो जाए तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इस दुपट्टे में देखिए नीचे इस तरह से ये हैंगिंग्स क्रिएट किए और इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप चाहे तो देख सकते हैं मैंने कैसे ये तैयार किया है। तो ये देखिए बिल्कुल कंट्रास्ट लुक हो गया ग्रीन के साथ पिंक और जब मैं इसे इसके साथ कैरी करती हूँ तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों के साथ जो शेयर कर रही हूँ ये मेरे पास बनारसी मूंगा सिल्क में ये साड़ी थी और आप ये देखिए इस साड़ी का ये सूट जो मैंने क्रिएट किया है इतना ब्यूटीफुल ये सूट तैयार हुआ है। ये मैंने लॉन्ग जो गाउन स्टाइल सूट चल रहे हैं वैसा बनाया था और इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है कि कैसे मैंने ये नेक तैयार किया हुआ है। मैं भी आपको दोनों पार्ट दिखाऊंगी इसके आगे पीछे के। तो देखिए इसकी जो पूरी ओवरऑल साड़ी थी वो ये ग्रीन कलर थी प्लस इसमें इस तरह से ये चौड़ा काफ़ी ब्रॉड इसमें ये बॉर्डर दिया हुआ था तो मैंने बॉर्डर कट नहीं किया है, उस बॉर्डर को साड़ी का नीचे ही यूज़ कर लिया है। और ये देखिए इस बॉर्डर को मैंने ये देखिए जो बचा था उससे मैंने ये नेक पे ये क्रिएट किया है, हल्का सा इसमें डिज़ाइन डालने के लिए मैंने गोल्डन पाइपिंग यूज़ की है और साथ में ये देखिए स्लीव्स पे भी मैंने इस तरह से ये बॉर्डर दे दिया है, तो 3/4 स्लीव्स बनाई है मैंने और इसके साथ मैं गोल्डन दुपट्टा कैरी करती हूँ। दोस्तों बहुत ही सुंदर लगता है वो,
और मैं इसका बैक साइड आपके साथ दिखा रही हूँ। देखिए बैक साइड मैंने थोड़ा सा इसको ट्रांसपेरेंट रखने के लिए, देखिए काफ़ी ब्रॉड इसमें नेक बनाया है, काफ़ी डीप बनाया है, और उसमें मैंने यूज़ किए हैं ये नेट। और इसका भी लिंक आपको वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कैसे मैंने बनाया है ये ज़रूर देखिएगा, और मुझे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मैं जो भी आपको दिखा रही हूँ उससे आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिलेगा। आप लोगों के पास भी कुछ ऐसी साड़ियाँ होंगी जो आप लोग यूज़ नहीं करते हैं, तो आप भी इसी तरह से थोड़ा सा अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करिए और उससे कुछ डिज़ाइनर लुक तैयार करें। दोस्तों नेक्स्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही यूनिक ड्रेस है, मैं आपको पूरी दिखाती हूँ। ये मैंने अपनी बेटी की तैयार की है और ये मेरे पास ऑल ओवर ये पूरी चंदेरी में साड़ी थी, और आप कलर देखिए इसका बहुत ही प्यारा है। पर अब जब इन साड़ियों का फैशन नहीं होता तो हमें लगता है कि ये हमारी कबर्ड में पड़ी हुई है, हम इनका क्या करें। तो देखिए मैंने इसका इस तरह से ये देखिए फुल फ्लेयर अम्ब्रेला लहंगा तैयार किया। आप देखिए इन सारे जितने भी सिल्क के चंदेरी में कपड़े होते हैं उसमें हमें लाइनिंग भी अटैच करनी होती है, तो नीचे मैंने लाइनिंग भी दी है। और आप ये देखिए फुल फ्लेयर लहंगा तैयार हुआ है, बहुत ही सुंदर लगता है, और इसे हम कई तरह से पेयरअप कर सकते हैं। आप इसके ऊपर कंट्रास्ट कलर में कुर्ती भी डाल सकते हैं तो एक अलग ड्रेस तैयार हो जाएगा। लेकिन मैंने इसके साथ जो बनाया है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स ये इसका अपर पार्ट है लहंगे का, जो साड़ी वाला एरिया था उससे मैंने इस तरह से ये चोली क्रिएट की है और सिंपल बनाई है, सिर्फ दो टक्स डाले हैं इसमें। और जो इसकी स्लीव्स है वो थोड़ी डिफरेंट है, 3-4 स्लीव्स रखी हैं और इसमें मैंने सेंटर में इस तरह से स्लिट दिए हैं, तो पहनने पर ये बिल्कुल मॉडर्न लुक आता है इसका, बहुत ही सुंदर लगती है। और जो मैंने इसमें नीचे का एरिया बनाया है ये थोड़ा डिफरेंट लुक है, आप इसका ये देखिए कितना इसका कलर कितने ब्राइट हैं। एक्चुअली ये मैंने कपड़ा परचेज किया थोड़ा सा, ये दुपट्टा था और जो ये दुपट्टा था ये वाइट कलर में था, वाइट पर ये ग्रीन कॉम्बिनेशन में इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, तो मैंने ये दुपट्टा डाई करवाया सेम कलर में, जिस कलर से इस पे ये डिजाइन बना हुआ था उस दुपट्टे को मैंने ये डाई करा लिया। और आप देखिए एक दुपट्टा मैंने सिर्फ खरीदा ये 280 रुपीज का था ये, और इस तरह से मैंने इसमें ये इसमें गैदरिंग डालकर और ये दो पार्ट कर दिया, देखिए आगे पीछे ये दोनों, क्योंकि ये दोनों तरफ था दुपट्टे में डिजाइन, और इस तरह से मैंने ये क्रिएट किया। और इसमें मैंने ये देखिए यहाँ साइड में मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसमें लॉन्ग स्लिट इस तरह से हमने डाली है जहां तक ये दुपट्टा है, और इसमें साइड इस तरह से जिप दी है ये देखिए, और इस तरह से देखिए कितना बेहतरीन कितना खूबसूरत ये ड्रेस तैयार हुआ है। नीचे हमारा लहंगा होता है इस कलर का और इसके ऊपर से हम ये डालते हैं, और जो इसकी लॉन्ग स्लिट है तो इसलिए साइज में से दिखाई देता है। तो आई होप आप लोगों को कुछ हेल्प मिल रही होगी मेरी वीडियोस से, तो आप लोग भी अपना दिमाग थोड़ा सा दौड़ाना शुरू करिए कि आपके पास कौन सी ऐसी साड़ी है जो आप यूज़ नहीं करते हैं और आप उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं दूसरी चीज़ दूसरे अपने ड्रेस की तरफ। दोस्तों अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरी वन ऑफ माई फेवरेट ड्रेस है, जितनी भी मैंने साड़ी में से क्रिएट की है मैं आपको दिखाती हूँ, और इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर। देखिए मेरे पास जो साड़ी थी वो सिंगल कलर में इस कलर की साड़ी थी, और इसका जो पल्लू था वो भी सेम कलर था, बस उस पर सेम कलर से एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी, तो वो पल्लू मैंने कट करके बिल्कुल अलग कर दिया। उससे मैंने एक शॉर्ट टॉप क्रिएट किया था अपनी नीस के लिए, तो वो मैंने उसे दे दिया है, वो मैं आपको सॉरी नहीं दिखा पाऊंगी, वो भी बहुत सुंदर बना था। तो जो प्लेन पार्ट था साड़ी का देखिए इसमें बहुत छोटा सा बॉर्डर था, बॉर्डर मैंने कट करके बिल्कुल हटा दिया, और जो प्लेन पार्ट था उससे मैंने ये देखिए कलियां इसमें बनाई हैं इस अपने ड्रेस में। ये अनारकली ड्रेस है दोस्तों, और मैं इसमें बता देती हूँ मैंने कितनी कली का बनाया है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 यानी 18 कली का ये मेरा सूट बना है पूरी साड़ी में। और इसमें जो मैंने डिफरेंट लुक दिया है वो इसके कंट्रास्ट का दिया है। ये मैंने अपर पार्ट इसका खरीदा, ये मुझे दुपट्टे वालों की दुकान पे ही जो ब्लाउज होते हैं वो ब्लाउज वाला ये कपड़ा है, जो डिजाइनर ब्लाउज आजकल चल रहे हैं, तो वो मैंने खरीदा, और आई थिंक ये शायद 340 या 350 के आसपास था, मुझे ठीक से याद नहीं है। और ये रॉ सिल्क में है फ्रेंड्स, और इस पे ये देखिए पास से मैं दिखाना चाहूंगी डिटेलिंग की हुई है पूरे में, ये देखिए इस तरह से चेक्स बने हुए हैं, थ्रेड वर्क हो रखा है,
इसमें मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए, देखिए जो इसका प्लेन पार्ट था स्लीव्स का बहुत कम था, मेरी फुल स्लीव नहीं निकल रही थी, तो मैंने ये वाइट नेट लेके सेम कलर में डाई करवाया, पिंक कलर में ये नेट डाई करवाई। और उसके अलावा मैंने सेम कलर की ये लेस खरीदी दोस्तों। ये मेरी जो लेस मैंने ली, ये पूरी 9 और 10 मीटर ली थी, जितनी पूरी साड़ी में लगती है। तो वो मैंने ये देखिए इस तरह से ये क्रिएट किया, स्लीव्स में लगा दी, प्लस मैंने ये बॉर्डर में भी इस तरह से पूरे बॉर्डर में, पूरे घेर में मैंने ये लेस लगाई है। और इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है, आप जरूर चेक करिएगा। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने ये वुडन बटन्स यूज किए हैं, आप पास देखिए बहुत ही खूबसूरत बटन है। और ये बटन भी बहुत कॉस्टली नहीं थे, 25 रुपीज का ईच है ये शेयर। और इस तरह से देखिए ये बिल्कुल डिफरेंट लुक में ये हमारा सूट तैयार हो गया। तो इसे मैं पिंक कलर का दुपट्टा है मेरा, जो पूरा मैंने गोटा वर्क का लिया है, आजकल गोटा वर्क बहुत फैशन में है, तो वो दुपट्टा भी मैं जरूर आपको दिखा दूंगी। तो ये इस सूट के साथ वो कैरी करती हूँ, और इस सूट का लुक बिल्कुल अलग ही आता है। देखिए फ्रेंड्स, ये दुपट्टा है इसका, पूरे दुपट्टे पे इस तरह से ये गोटा वर्क किया हुआ है, ये भी व्हाइट कलर में था, तो मैंने ये सेम कलर में इसे डाई करवा लिया। और अब आप देखिए जब मैं इसके साथ ये कैरी करती हूँ तो बहुत ही सुंदर एक पार्टी वेयर ड्रेस है, इवन ये मैरिजेस वगैरह में भी डाला जा सकता है। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अपने ड्रेसेस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं अपनी दूसरी ड्रेस। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो ड्रेस है ये मैंने अपनी बेटी की तैयार की है, और ये देखिए ये मेरी सिल्क की प्लेन बिल्कुल ये कोका कोला कलर की साड़ी थी, और इसमें सिर्फ गोल्डन, ये सबके पास होती हैं इस तरह की साड़ियाँ, गोल्डन नीचे छोटा सा बॉर्डर होता है और प्लेन बिल्कुल इसका पल्लू होता है। तो मैंने बॉर्डर पल्लू सब कट करके अलग कर दिया, और जो मेरे पास ये प्लेन पीस था इसका मैंने यूज़ किया है। और अब मैं आपको पूरी ड्रेस दिखाती हूँ, ये मैंने हाई लो ड्रेस बनाई है, आगे से देखिए इस तरह से हाई है और पीछे से इस तरह से ये लो है, और साथ में इसमें मैंने ये इस तरह से ब्लॉक प्लीट सी हुई है इस तरह से। और इसको थोड़ा सा इसका लुक पार्टी वियर देने के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये नेट वाला फैब्रिक लिया था फ्रेंड्स, ये वाइट कलर में जो दुपट्टों का जो नेट वाला फैब्रिक होता है, ये इजीली आपको किसी भी बुटीक वाले जो शॉप होते हैं जो इस तरह का मटेरियल रखते हैं वहाँ बहुत आराम से मिलेगा। तो ये मैंने भी ऐसे ही एक किसी शॉप से लिया था, ये वाइट कलर का नेट का फैब्रिक था, इसे मैंने सेम कलर में डाई करवाया। और आप ये देखिए इसका लुक, ये पहनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इसको मैंने थोड़ा सा जो आजकल मॉडर्न लुक देने के लिए मैंने क्या किया, जो इसका इनर पार्ट है आप देख रहे होंगे, जो मैंने सिल्क का ही रखा है, सेम बेस रखा है, तो उसमें मैंने क्या किया है, शोल्डर से ये देखिए यहाँ से ये थोड़ा सा इसमें ट्रांसपेरेंट लुक देने के लिए मैंने जो अंदर का जो पार्ट रखा है वो सिर्फ यहाँ तक रखा है, यानी कि अपने आर्म होल तक रखा हुआ है, ये देखिए। तो ऊपर का पार्ट जो है वो ट्रांसपेरेंट दिखता है, और जो अंदर का पार्ट है उसे कैरी करने के लिए देखिए मैंने पतले पतले इसमें से इस तरह से स्लिप्स दी हुई हैं, तो इसको आप इस तरह से जब आप पहनेंगे तो ये इस तरह से लुक आता है इसका। और स्लीव्स भी मैंने नेट की ही बनाई हुई हैं, इसमें मैंने बैक में इस तरह से चेन दी हुई है, ये देखिए ये इस तरह से चेन दी हुई है, और बैक में भी ये देखिए इसमें मैंने पार्ट, आप ये देखिए आर्म होल से आर्म होल तक ही मैंने इसमें इसका जो इनर वाला पार्ट है यानी कि लाइनिंग है वो मैंने सिर्फ आर्म होल तक रखी है, और ऊपर का पार्ट इस तरह से ट्रांसपेरेंट रखा है। तो बहुत ही सुंदर लुक आता है पहनने के बाद, और मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे कुछ फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे इन ड्रेसेस के जो मैंने हम लोगों ने कैरी किए हैं वो मैं जरूर डालूंगी। तो बताइएगा कैसी लगी मेरी ड्रेसेस आपको, आगे देखते हैं अपनी दूसरी ड्रेस। दोस्तों, ये मैं जो साड़ी मैं आपके लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैंने ड्रेस बनाई है, ये मेरी मम्मी की साड़ी थी, और इस तरह की साड़ियाँ आजकल बहुत फैशन में हैं, बट मुझे ये था कि मैं इसकी कुछ ड्रेस बना देती हूँ, तो ये मैंने अपनी बेटी की ड्रेस तैयार की है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए ये हाफ एंड हाफ साड़ी थी जो आजकल चल रही है, हाफ इस तरह से वर्क होता है और हाफ प्लेन होती है। तो मैंने इसका क्या किया कि ये देखिए ऑब्वियस है कि ये शिफॉन की साड़ी थी, तो मैंने इसमें अंदर लाइनिंग दी हुई है, और लाइनिंग भी काफ़ी अच्छी दी हुई है क्योंकि शिफॉन का फैब्रिक काफ़ी लाइट होता है। तो इसमें मैंने ये नीचे प्लाजो तैयार किया, हाफ में इस तरह से ये वर्क आ गया, और जो थोड़ा बहुत कपड़ा बचा था उसमें मैंने इस तरह से यहाँ पर सामने भी पैनलिंग कर दी ताकि इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन बन जाए। और ये देखिए बैक में इस तरह से मैंने ये प्लास्टिक डाली हुई है,
और ये इस तरह से बेल्ट बनाई है, और मैंने अपने कई सारे वीडियोस में इस तरह से प्लाजोज बनाना बताया है, पैंट बनाना बताया है। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे बनाते हैं तो जरूर देखिएगा। तो इसमें मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि ये कैसे पैंट बनेगी, आप जरूर देखिएगा। इस पैंट के ऊपर, प्लाजो के ऊपर फ्रेंड्स, इसका जो अपर पार्ट मैंने तैयार किया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। ये इस ड्रेस को बिल्कुल इंडो वेस्टर्न लुक देगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है कि जो साड़ी वाला पार्ट था उससे मैंने ये अपर पार्ट यानी अपना चोली वाला पार्ट तैयार किया है, और जो स्लीव्स तैयार किए हैं वो भी मेरे सेम फैब्रिक की हैं। इसमें थोड़ा सा अच्छा लुक देने के, क्योंकि सिल्वर वर्क हो रखा था तो मैंने यहाँ पे ये सिल्वर हल्की थी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा चौड़ी एक लेस टाइप समझ लीजिए आप, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैंने पाइपिंग डाली है, और इसमें मैंने डाली है एक जिप, इससे थोड़ा सा इसका लुक देखिए बिल्कुल अलग हो गया। तो ये फ्रंट है, और बैक पार्ट में भी मैंने सेम फैब्रिक यूज किया है, और इस तरह से ये इसकी स्लीव्स हैं। अब इसका जो नीचे का पार्ट है आप देखिएगा जरूर, ये मैंने दिखाया हुआ है। एक्चुअली मैंने पहले ये क्रॉप टॉप और ये प्लाजो तैयार किया था, पर पहनने के बाद वो लुक मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो उस क्रॉप टॉप को मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया ड्रेस में। तो मैंने ये डाला हुआ है वीडियो, आप देखिएगा जरूर। इसमें मैंने क्या किया, ये मैंने एक नेट ली, ये देखिए ये दुपट्टे वाली नेट है, आप लोग देख रहे होंगे आजकल ये दुपट्टे बहुत चल रहे हैं, ये व्हाइट कलर में थी, तो मैंने ये सेम इस कलर में डाई करवाई। इससे ये बिल्कुल मैच इसलिए कर गया क्योंकि जिसमें सीक्वेंस वर्क किया हुआ है इसमें भी सीक्वेंस वर्क किया हुआ है। सेम सिल्वर कलर का मैंने ढूंढा और उसके बाद सेम कलर मैंने ये डाई करा लिया। बहुत ज़्यादा फैब्रिक नहीं लगा दोस्तों, ये 220 रुपये मीटर था, और मेरे ख्याल में ये पूरा 2 मीटर शायद नहीं लगा, मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने वीडियो में बताया है मैंने कितना मीटर लिया है, तो आप देखिएगा जरूर। और इसमें ये देखिए जितना इसका चौड़ाई थी दुपट्टे की वो मैंने पूरी रखी हुई है, और इस तरह से यहाँ पे इसको प्लीट्स देके यानी गैदर्स देके इसके साथ अटैच कर दिया है। कुछ भी नहीं किया लेकिन फिर भी ये इतनी प्यारी ड्रेस बनके तैयार हो गई है, ये देखिए। और साइड में मैंने ये लॉन्ग स्लिट दिए हैं, यहाँ तक पूरा खुला है, तो नीचे हम ये प्लाजो इसके साथ ये वो वेयर करती है, और साथ में ये ऊपर से इस तरह की ये ड्रेस तैयार की है। तो ये पार्टी वेयर ड्रेस तैयार हुई है, और आप इसका ये देखिए लुक देखिए कितना खूबसूरत बना है। ये इस वीडियो का लास्ट में आप लोगों के साथ ड्रेस शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो एक वीडियो में नेक्स्ट अपलोड ज़रूर करूँगी 1-2 दिनों में, तो उसमें भी मैं आपको बाकी की जो बची हुई मेरी साड़ियों की ड्रेसेस है वो मैं शेयर करूँगी। तो इस वीडियो का ये लास्ट ड्रेस, और इसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है अपने चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से ये सिल्क बनारसी सिल्क की साड़ी थी, और इस तरह से ये देखिए सबके पास होती हैं ये पुरानी साड़ियाँ, शादियों में दी जाती हैं ज़्यादातर, और इसमें ये देखिए इस तरह का कंट्रास्ट बॉर्डर था, साथ ही इसमें इसी तरह का सेम पल्लू था, तो मैंने पल्लू वाला एरिया बिल्कुल हटा दिया, उसका मैं एक अलग सूट तैयार कर दूंगी क्योंकि वो मरून कलर में है, तो इसलिए वो मैं ज़रूर शेयर करूंगी जब बनाऊंगी। तो इसमें मैंने क्या किया, जो ये बॉर्डर वाला देखिए एरिया था उसको कट किया है, और जो एक्स्ट्रा बॉर्डर था उसको मैंने यहाँ पर जोड़ के ये पैनलिंग बनाई है। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत एक पैनल वाला हमारा कुर्ती तैयार हुई है, और इसमें भी मैंने ये इस तरह से स्लीव्स दी हैं, ये आपकी एल्बो तक की स्लीव्स हैं, और इसमें भी मैंने ये बॉर्डर दे दिया है, और इसमें कंट्रास्ट कलर का जो हो मरून कलर का दुपट्टा या गोल्डन कलर का दुपट्टा भी लेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और ये सिंपल मैंने प्लीट्स वाली कुर्ती तैयार की है, चैनल पे विजिट जरूर करिएगा, इसका पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, बनाने का तरीका, कटिंग का तरीका, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये इसका बैक साइड है, बैक साइड मैंने बिल्कुल प्लेन रखा है, बस नीचे इस तरह से ये देखिए बॉर्डर दिया हुआ है। आप हर कुर्ती में आप मेरे फ्लेयर देखिए, मैंने कोशिश की है ज्यादा से ज्यादा फ्लेयर वाली कुर्ती बनाऊं, क्योंकि वो लुक जो आता है फ्लेयर कुर्ती का वो बहुत ही खूबसूरत आता है। तो देखिए ये बनने के बाद बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये मैंने साड़ी से क्रिएट की है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश करी है कि आपको डिटेलिंग पूरी तरह से दिखा पाऊँ, और अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी तरह से, या आपको लगता है आपके पास कोई साड़ी है ऐसी उससे आप क्या डिज़ाइन क्रिएट करें, तो मैं आपको बता देती हूँ कि FB पे यानी फेसबुक पे भी मेरा पेज है श्रद्धाज फैशन हब, तो आप उस पर अपनी जो भी साड़ी है उसकी फोटो क्लिक करें और मेरे साथ शेयर करें उस पेज पर, तो मैं आप लोगों को सजेशन जरूर दूंगी कि आप उससे क्या क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात, फेसबुक पे जो मेरा पेज है प्लीज उसे फॉलो करें, उस पर भी मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ,
और उसके अलावा जो हमारा ये चैनल है यूट्यूब पर यानी कि श्रद्धा फैशन हब, इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स। सब्सक्रिप्शन से हमारे जितने भी फैन फॉलोइंग है वो बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो लाइक जरूर करिए क्योंकि लाइक से हमें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, हमें और आगे काम करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से 6 to 8 अपना कलेक्शन शेयर करूंगी कि मैंने क्या क्या क्रिएट किया है। अभी हम ये वीडियो एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।